हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका मोहम्मद आज़म समीर। दोस्तों, चाइना और थाईलैंड ये दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में हैं, और आज हम बात करेंगे इनके कल्चर की, इनके हेरिटेज की, इनकी सिविलाइजेशन की, कि इनमें क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या चीज़ें नहीं मिलती। दोस्तों, पहले तो बात हम करेंगे इनकी हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की। तो चाइना बहुत ही एंशिएंट है एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड। जो चाइना है उसके जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो बहुत ही पुराने हैं, और उनका जो आर्कियोलॉजिकल कल्चर है वो भी बहुत पुराना है। और उनका दादीवान कल्चर, शांगरंग दोंग कल्चर, माजा याओ, शी चंगी, सीशन और बहुत से कल्चर हैं। लेकिन थाईलैंड में हमें सिर्फ बन छियांग कल्चर मिलता है जो कि ब्रॉन्ज एज का है। तो चाइना की जो आर्कियोलॉजी है, चाइना का जो हेरिटेज है, जो विरसा है, वो थाईलैंड से बहुत ही ज़्यादा पुराना है और बहुत ज़्यादा रिच है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चाइना और थाईलैंड के आर्किटेक्चर की। अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसमें भी चाइना बहुत आगे है। चाइना का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसके टेंपल्स और इसका जो मोनूमेंटल हेरिटेज है वो बहुत ही रिच है। अगर हम बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड में हमें मिलता है बुद्धिस्ट टेंपल आर्किटेक्चर, वो भी यूनिक है, लेकिन वो एज़ कम्पेयर टू चाइना थोड़ा सा अर्ली है। अर्ली से मुराद ये है कि वो चाइना से थोड़ा सा मॉडर्न है। चाइना का आर्किटेक्चर अर्ली है और ये आर्किटेक्चर मॉडर्न है। ये कुछ 700-800 साल पुराना है, लेकिन जो चाइना का आर्किटेक्चर है, जैसे इनके ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से ऊपर की बातें अगर करें, कुहा युआन और बहुत से टेंपल्स, चाइनीज़ टेंपल, दे आर रियली यूनिक। और चाइनीज़ और थाईलैंड कल्चर में एक ये चीज़ भी डिफरेंशिएट करती है इन कल्चर्स को, वो ये है कि अगर इनके आर्किटेक्चर को देखा जाए तो चाइना के आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा राइटिंग्स का भी यूज़ है। एंशंट राइटिंग्स बहुत ज़्यादा है, सिम्बल्स बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें थाईलैंड की आर्किटेक्चर की, तो वो सिर्फ और सिर्फ बेस करता है दोस्तों बुद्धिज़्म पे। तो उनका टेंपल आर्किटेक्चर, इनका टेंपल आर्किटेक्चर भी डिफरेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों उनके टूरिज़्म की, तो टूरिज़्म जो है उन दोनों में तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो थाईलैंड की टूरिज़्म है वो तकरीबन एज़ कम्पेयर टू चाइना, वहाँ पर ज़्यादा फॉरनर आते हैं। चाइना में भी बहुत ज़्यादा फॉरनर आते हैं, शंघाई, बीजिंग और बहुत से सिटीज़ में, ग्वांगचू। लेकिन थाईलैंड में मैंने देखा कि हर दूसरा शख्स जो है वो आपको फॉरनर मिलेगा। और जो इनमें चीज़ें मिलती हैं वो ये चीज़ें हैं दोस्तों, कि दोनों ही अपने एंशिएंट आर्किटेक्चर की प्रमोशन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। चाइना ज़्यादा स्पेंड करता है टूरिज़्म को, ज़्यादा से ज़्यादा, और ये अपने एंशिएंट जो सिटीज़ हैं, एंशिएंट जो टाउन्स हैं, उनको और रिच बनाता है ताकि जो फॉरनर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ पे ट्रैवल करें। थाईलैंड में भी अगर देखा जाए, लेकिन थाईलैंड में ज़्यादा लोग अयुथाया में ही जाते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू चाइना थाईलैंड में लोग मॉडर्न कल्चर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। मॉडर्न जो उनकी, जैसे पताया, फुकत, फीफी, कराबी आइलैंड है, वो वहाँ पे रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन चाइना में लोग कल्चर हेरिटेज को देखने आते हैं। तो इसके साथ साथ दोस्तों, जो चाइनीज़ है उनकी जो अटेंशन हैं टुवर्ड्स फॉरनर, वो बहुत ही काइंड है, बहुत ही पोलाइट है, और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। थाईलैंड में भी ऐसा है, लेकिन थाईलैंड में थोड़ा सा आपको पू अनचुआन है, वो चाइनीज़ कहावत है पू अनचुआन, ऐसे लगता है कि जैसे आप सेफ, 100% सेफ नहीं है, लेकिन चाइना में आप हैं जी 100% सेफ। और जो सबसे बड़ी बात, इनके जो हेरिटेज और कल्चर की जो डाइवर्सिटी है वो सेम है। चाइना में भी आप देखें हर सिटी में डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, थाईलैंड में भी देखें हर सिटी में डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, लेकिन एक चीज़ दोस्तों बहुत ही यूनिक है, वो ये है कि थाईलैंड का कल्चर स्प्रिंकल्ड आउट हुआ फ्रॉम चाइना। चाइना से बहुत से लोग जब थाईलैंड की तरफ माइग्रेट किया, तो उनका बहुत सा कल्चर जो है अभी भी चाइनीज़ कल्चर जैसा है, जैसा कि उनके गेट्स पे जो गेट गार्ड गॉड है उनकी तस्वीर है, इसके अलावा उनके घर तकरीबन थोड़े से मिलते जुलते हैं, और उनके
जो फाइन आर्ट्स है और आर्ट्स के जो डिपिक्शन ऑफ पिक्टोग्राफी है वो भी चाइना से ही उन्होंने ली है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से चाइना से माइग्रेट करके गए थाईलैंड। तो दोस्तों ये तो थी चिदा चिदा बातें जो थाईलैंड और चाइना के हेरिटेज और कल्चर में सिमिलरिटी रखती थी या डिफ्रेंशिएट करती थी एक दूसरे को। तो दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो चाइना और थाईलैंड के हेरिटेज के बारे में तो मुझसे ज़रूर पूछें। अगर आप मेरे चैनल में हैं न्यू, अपना रखें ख्याल, मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।